करना चाहता हूं कि आप यहां आए, आपने यात्रा में शक्ति डाली। अच्छा, अब मुझे भाषण देने दो, यहां पे डिस्टर्ब मत करो, बाद में जितना करना है कर लेना, ठीक है? शाबाश। देखिए, पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक करी। उसका लक्ष्य देश को जोड़ने का था, और जो नफरत और हिंसा बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग देश में फैला रहे हैं, उसके खिलाफ खड़े होने का था। और उसमें हमें बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई। पूरी देश में हमने ये मैसेज फैला दिया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान कांग्रेस पार्टी खोलती है। इस बार मणिपुर से महाराष्ट्र हमने यात्रा की है। इसमें हमने एक शब्द, न्याय शब्द जोड़ दिया है। न्याय शब्द जोड़ने के दो तीन कारण हैं। सबसे बड़ा कारण, जो आर्थिक अन्याय हो रहा है देश में, जो चुने हुए दो तीन अरबपतियों को देश की आपकी पूरी की पूरी पूंजी पकड़ाई जा रही है। दूसरी बात, जीएसटी और नोटबंदी के कारण जो बेरोजगारी फैली है, जो नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी का भविष्य बर्बाद किया है, उसके खिलाफ यह यात्रा है। पब्लिक सेक्टर, जिस आदिवासियों को रोजगार मिलता था, उनको सबको एक के बाद एक प्राइवेटाइज किया जा रहा है। ये पब्लिक सेक्टर यूनिट हिंदुस्तान की जनता की प्रॉपर्टी है। ये नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार उन्हीं दो तीन अरबपतियों को पूरी की पूरी पूंजी पकड़ा रहे हैं। और मुझे लगता है थोड़ी सी देर में जो झारखंड में आपकी स्टील की इंडस्ट्री है, बोकारो है, ये सब पकड़ा के ये अपने दो तीन मित्रों को पकड़ा देंगे। तो इसके खिलाफ हम खड़े हैं। आखिरी बात और शायद सबसे जरूरी बात, जो हमारे आदिवासी भाई हैं, उनका जल, उनका जंगल और उनकी जमीन की रक्षा कांग्रेस पार्टी करती है और करती रहेगी। चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपको शिक्षा, आपके स्वास्थ्य और आपके रोजगार के लिए हम 24 घंटा काम करेंगे और इन चीजों को आपको दिलवा के दिखाएंगे। आप सब यहां आए, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। अब जितनी आपने सेल्फी लेनी है ले लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।